खा लेता और भूख लगा है। कोंकण राइड में ये दूसरी बार है जो बीच के सामने घर है, ये यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ और ये बीच का कुछ नज़ारा है। अभी क्या बारिश का मौसम है ना, इधर बारिश है ना बहुत ज़ोर से पानी आता है, इधर बारिश बहुत ज़ोर होता है अगर होता है तो। इसकी वजह से क्या किया, हर एक विंडो में ना ऐसा प्लास्टिक शीट लगा दिया है। चलिए थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। चलिए थैंक यू। तो फिर निकलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मालवन का जो डिस्टेंस दिखा रहा है अराउंड 165 किलोमीटर दिखा रहा है, और ऐसा लोकेशन छोड़ के जाने के लिए ना मन तो करता नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेंटली है ना बहुत सूदिंग है ऐसा। स्पेशली मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया था जब मैं लद्दाख में आर्यन वैली में था, तब ये जो पानी की आवाज़ होती है ना, फ्लोइंग रिवर बीच साइड हो गया, बहुत रिलैक्सिंग होता है। एंड मेरे को लगता है कि कल का जो स्ट्रगल था ना फाइंडिंग दिस अकोमोडेशन, इट इज़ वर्थ। यहाँ का एक ईजी लैंडमार्क बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको ढाबा मिल जाएगा खाने पीने का, एक मिनट के ड्राइव पे है। यहाँ पे ना सामने आपको निर्मल नगरी दिखाई देगी, देखना ये निर्मल नगरी यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट ऑपोजिट में ही ये रिसोर्ट है। अगर आप इस अकोमोडेशन में रहना चाहते हो तो ये लैंडमार्क याद रखना, इसी लैंडमार्क के ऑपोजिट में आपको ये अकोमोडेशन का एरिया मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा पीसफुल लोकेशन है, शांति भरा लोकेशन है ये। अभी हम निकलते हैं टूवर्ड्स मालवन, अराउंड 4 घंटे का टाइम लगेगा, आराम आराम से भी जाएंगे तो पकड़ लो 6-7 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स। जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा ही डिस्टेंस में आपको गणपति पुले मिलेगा, तो अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं गणपति पुले, गणपति पुले का एरिया जाके फिर मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ गणपति पुले मंदिर, यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है, पूरे काम चालू आगे वहाँ श्री गणेश मंदिर कड़े पर्यायी मार्ग। ये आ गया गणपति पुले का एरिया, बहुत ही चहल पहल एरिया है, पूरा रौनक से भरा हुआ एरिया है, खाने पीने का स्टॉल है, शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है। और देखो मंदिर के सामने ये है गणपति पुले बीच का नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। हाँ जी, कहाँ से? मैं नवी मुंबई से हूँ सर। हाँ जी, आप कहाँ से? हम नागपुर से। अच्छा नागपुर से, ओके ओके। हमारा पूरा टूर ग्रुप है। अच्छा अच्छा, कितना बड़ा ये लंबा यात्रा चल रहा है? हाँ पूरा, यानी मराठीत म्हणायचं तर पावसाळी कोकण, पावसाळी कोकण यानी बारिश का कोकण। सेम करता है अकेले? हाँ जी अकेले, हम अकेले ट्रैवल करते हैं। सोलो ट्रैवल। मेरा भतीजा भी ऐसा सेम बुलेट पे जाते हैं। हाँ घूमते फिरते रहते। हाँ चलिए थैंक यू, हैप्पी जर्नी आपको भी। अभी आगे की यात्रा कंटिन्यू की जाए, कहाँ ना कहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिलीजियस लोकेशन में मोबाइल यूज़ करने नहीं दे रहे ना, वो कहाँ ना कहाँ सही है, क्योंकि मैं जब भी ले गया था गुरुद्वारा पत्थर साहिब तो वहाँ पे भी मुझे मना किया था कि आप मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग मंदिर मस्जिद जो भी रिलीजियस प्लेस जाते हैं ना वहाँ पर लोग सेल्फ़ी लेने में बिज़ी हो जाते हैं, तो उनका ध्यान है ना सिर्फ सेल्फ़ी लेने में होता है, तो कहाँ ना कहाँ मेरे को ये जस्टिफाइड लगता है। तो इसीलिए मैं ले में गुरुद्वारा पत्थर साहिब का मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, और ये है गणपति पुले का नज़ारा। और अभी नेक्स्ट लोकेशन जो आने वाला है वो है रत्नागिरी, लेकिन रत्नागिरी पहुंचने से पहले पहले एक पॉइंट आएगा आधे वाधे पॉइंट, तो चलो पहले वहाँ पर चलते और फिर बात करते हैं। नारियल पानी कैसा भाव? नारियल पानी 40 है। 40 रुपए एक दिया ना? पानी ये जो आप नारियल पानी का 5-6 स्टॉल देख रहे हो ना, ये वारे पॉइंट है, आरे विलेज है इसके आगे, ये वारे पॉइंट है। अगर आप इस लोकेशन में कभी आ रहे हो तो अराउंड दिसंबर या जैन के टाइम पे जब आओगे ना, तो यहाँ से आपको डॉल्फिन का नज़ारा मिलेगा। तो कभी भी याद रखना कि आप कोंकण राइड कर रहे हो तो आधे वाधे पॉइंट आ जाना, स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर जैन, अगर आपको डॉल्फिन देखना है तो। इसके आगे जाओगे तो आपको वारे विलेज मिलेगा, इसीलिए ये रूट को बोला जाता है आधे वाधे पॉइंट।
वारे पॉइंट से थोड़ा ही आगे चल के आओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आरे विलेज। आरे गाँव इधर से ही है ना, बरोबर ना? चला थैंक यू। ये हम क्रॉस कर रहे हैं रत्नागिरी की गलियों से। इन केस अगर आप कोई वीडियो रत्नागिरी से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज और कमेंट्स किया था कि वो कोंकण से बिलोंग करते, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कोंकण में कहाँ से बिलोंग करते हो। ऐसा देख के लगता है कि ये एरिया जो है ये मुस्लिम बस्ती लग रहा है देख के, क्योंकि ये जो बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभी मैंने एक लोकल से पूछा कि ये क्या है, तो ये मस्जिद है, ये दरगाह है। और मुझे वहाँ पे भी एक मस्जिद दिखाई दे रही है। ऐसा देखने से तो लगता है कि मुस्लिम बस्ती एरिया है ये पूरा। देखो वहाँ पर भाई फिशिंग कर रहा है, देखो वहाँ पर भी चालू है। ये देखो भाई ने क्या किया मालूम है, बोट में ना बैलेंस करने के लिए देखो पाइप लगाया है। ये बोट के दूसरे साइड देखो बम्बू लगा के पाइप अटैच किया है ताकि बोट बैलेंस में रहे। उधर भी भाई देखो वही चीज़ किया है, सेम जुगाड़ किया उधर भी भाई ने। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा जुगाड़। चलो फिर राइड कंटिन्यू करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आज मालवन है, जैसे मालवन पहुँचेंगे अपना कोंकण का जो राइड है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। क्योंकि इतना कीचड़ उड़ा है मैंने, जितने भी कपड़े कैरी किए थे ना सब में कीचड़ है, मिट्टी है। अभी लास्ट एक जोड़ी कपड़ा बचा है जो मैं कल यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ये राइड कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अपन मालवन पहुँचेंगे वैसे ही अपना कोंकण का जो एरिया है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं घर निकल जाऊँगा, घर में जाके पूरा सामान वीमान, गाड़ी का थोड़ा क्लीनिंग भी हो जाएगा, मेरा कपड़ा धो धा के मैं रेडी करवा दूंगा और फिर अपन निकल जाएंगे महाराष्ट्र का दूसरा साइड एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक मेरे को 1 वीक का रेस्ट लेना चाहिए घर पे जाके। कोंकण के बाद विल टारगेट द अदर साइड ऑफ महाराष्ट्र। अभी तो कोंकण पहले एंजॉय करते हैं, अभी कोंकण में भी बाकी आगे आना, लेट्स गो। ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा ब्रिज है, ब्रिज का नाम, ब्रिज का कुछ नाम नहीं है, बट देखो किनारे में मंदिर है। वो देखो कितना मस्त लोकेशन में है ना लोकेटेड, आजू बाजू ये देखो ये साइड पूरा घर बनाया हुआ है, वो साइड भी घर है, ये साइड भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है किनारे में बना हुआ है। ये देखो पूरा आम का पेड़ लगाया हुआ है और हर एक पेड़ के यहाँ पे ना पत्थर से ऐसा बॉर्डर बनाया हुआ है। अभी आप वहाँ से देख लो पूरा ये आम का खेती है, देखो पूरा जहाँ तक नज़र जा रहा है ना वो पूरा आम का खेती है। और हर एक पेड़ को, नहीं ये आम का नहीं है, ये तो आम का पेड़ है गारंटी, वो भी आम का पेड़ है आई थिंक, हाँ यस आम का पेड़ है, ये भी पूरा आम का पेड़ है। और ऐसा सर्कल करके एक एक पेड़ को इतना बॉर्डर बनाया है। जो भी आदमी खेती से रिलेटेड होता है ना वो पेड़ को एक बच्चे जैसा पालता है, बच्चे जैसा। और ये देख के ऐसा लग नहीं रहा, देखो कितना ख्याल रखा, कितना ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है, कितना ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है। और आम का ही पेड़ नहीं है, बीच में दूसरे दूसरे भी पेड़ है, आई डोंट नो कौन सा पेड़ है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मैंगो ट्रीज है। ओके या दिस इज़ जैतापुर ब्रिज। अरे यहाँ पे ना ब्यूटी अलग है, आई विश यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ा के आपको दिखा सकता, लेकिन अगर आपको गोप्रो से दिख रहा है तो देखो वो पूरा लाइन से छोटे छोटे नाव है उधर। बस 720 का, चलो थैंक यू भाई।
ये आ गया देवगढ़। ये देवगढ़ का छोटा सा नाका है, सर्कल एरिया है, बस अड्डा है, छोटे छोटे दुकान है, छोटा सा मार्केट एरिया है, खूबसूरत है, छोटा सा मार्केट एरिया है देवगढ़। देवगढ़ से मालवन इज अराउंड 57, अराउंड 60 किलोमीटर्स होगा। ये देखो ये साइड खेत लहराते हुए, दोनों बाजू खेती है, देखो पूरा खेत में काम चल रहा है, इधर भी इधर भी। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जिस तादाद में पंजाब में मेरे को फार्म्स में ट्रैक्टर दिखे है ना, उतनी तादाद में मेरे को इस लोकेलिटी में, ये कोंकण के रीजन में ना, मेरे को ट्रैक्टर का चलन बहुत कम दिखा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। पंजाब में तो ऑब्वियसली भाई ट्रैक्टर बोले तो लोग शौक से ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन ये कोंकण रीजन में ना मैंने बहुत कम नोटिस किया है, बहुत ही कम नोटिस किया है मैंने ट्रैक्टर। लेकिन जो भी है, दोनों जगह की अपनी अपनी खासियत है और दोनों जगह अपने अपने तरीके से बहुत ही खूबसूरत है। ये आ गया और एक रिवर का नज़ारा, ये जो रिवर देख रहे हो दिस इज़ गढ़ रिवर, और ये ब्रिज का नाम है कलावल ब्रिज, और ये रिवर है गढ़ रिवर। इतना सारा रिवर देख लिया ना आज मैंने, ये छोटे डिस्टेंस में, मैं बोल रहा हूँ ना 125 किलोमीटर का ड्राइव है, बट देखने के लिए इतना कुछ है। ये देखो नारियल, देखो ये देखो कितना है, देखो वो देखो कितना नीचे है, और ऊपर ब्रिज तक आ गया नारियल, ये देखो। हाँ जी, उधर खेती जास्ता करता ना खेत, हो हो मुंबई में जाता है। हाँ मुंबई, अच्छा कोंकण, हाँ कोंकण का लोग मुंबई ज्यादा जाता है। हाँ मुंबई ज्यादा जाता है तो खेती कम करता है, खेती कम करता है। और ये यूपी बिहार वाले कोंकण में आता है काम करने को। हाँ जी, उधर केरल ब्रांच आदमी उधर आता है, क्या करता है उधर लादी बसाता है, फर्शी बसाता है, काम करता है। हाँ आदमी क्या है कोकन का, ये ऐसा जड़ काम नहीं चाहिए बैठ के, ये मुंबई जाता है इसके। हाँ मुंबई जाता है, मुंबई कितना पगार बैठता है 15-20।
हाँ। अच्छा शिकायत है 40-50 हजार हो हो बराबर और कुछ नहीं है ऐसा है। खेती में कम पैसा मिलता है क्या? नहीं नहीं खेती में पैसा मिलेगा, मेहनत बहुत है ना। मेहनत बहुत है खेती में। तुम काम करेगा ना पैसा मिलेगा, खाने का मेन हाँ मिलता है, पैसा कम दोनों समान चलता है हाँ। पैसा और मेहनत मेहनत हाँ, लेकिन मेहनत बहुत है खेती में। हाँ मेहनत बहुत है हाँ। ये उसके तुम्हारे पंजाब पंजाब में उसके खेती क्या ये तुम्हें गेहूँ लगता है ना हाँ। हमारे पास गेहूँ नहीं सिर्फ क्या है चावल, चावल बहुत है हाँ। अभी पूरा रास्ते में चावल का खेती बहुत दिखा, चावल का खेती और नाचनी हो हाँ। इधर बाजरी नहीं होता है। अच्छा इधर बाजरी नहीं होता है? बाजरी नहीं होता है बाजरी तुम्हारी। अच्छा हाँ भाजी अपन गाँवटी अपन भाजी हो हो, लाल भाजी मुला भाजी ये होती इकडे। आता आम्ही इकडे हा जवळ जवळ 5-6 हजारात दाणे आणले आहेत ते घातले आहेत। टिलर 2 दिवस वापरला आहे, त्याचे 7-8 तास टिलरचे झाले आहेत। आणि आता हे चालू आहे काम। अच्छा ठीक है चला धन्यवाद काका। किस चीज का खेती है ये? नाचनी 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 हाँ। अच्छा तो कितना टाइम लगता है इसको बड़ा होने के लिए? 4 महीने आता है। 4 महीने लगेगा तो अभी डाल देंगे अभी हाँ। तो बारिश में पूरा पानी हाँ। बारिश में पूरा हाँ, पूरा तो 4 महीने ठंडी में हो जाएगा इसका हाँ, फसल ना हाँ। अच्छा चला थैंक यू काका। अभी ऑलमोस्ट अपन मालवन का एरिया में एंटर कर चुके हैं, अराउंड 7.5 किलोमीटर पहले हूँ मैं। और ये जितना भी आपने खेती का एरिया देखा है ना, ये सेंग दाने का खेती हो रहा है। तो कोई कोई लोग पूरा खेती साफ कर रहे हैं, खेती का जो भी है वो वेस्ट जो है उसको जला दिया जाएगा और फिर फसल डाला जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 4:53, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। और ग्लव्स मैंने उतार दिया क्योंकि गर्म से हालत ख़राब हो रहा है, तो हाथ है ना ऐसा पूरा हाथ स्वेट हो गया था हाथ में। तो मैंने बोला अभी लास्ट का है तो ग्लव्स उतार देते और ऐसे ही चलते। खेती का नज़ारा इधर का एक नंबर है। और मैंने बोला ना यहाँ पे मेरे को ट्रैक्टर कम दिखाई देते, इसीलिए ना मैंने पूछ लिया कि ये ट्रैक्टर इतना कम क्यों दिख रहा है। यहाँ का एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना आप किधर भी जाओ, आप रास्ते से चल रहे हो, आप किसी को भी पूछ लो, इंटरेक्ट करो, कुछ भी पूछो, आपको बहुत ही डिटेल में फुर्सत से आपको जवाब देंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड है टूरिस्ट को लेके, उनको आपसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी मैं रुक के मैं वो खेती कर रहे थे तो उनको मेरे से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो काम रुक के आपसे बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है। होटल आएगा इकड़े होटल का होटल रहने के लिए राहुल हाँ बंद है आगे है हो ठीक है चलो धन्यवाद। फाइनली अकोमोडेशन मिल गया और यहाँ पहुँचते पहुँचे मुझे बज गए अराउंड 5 बज गए। तो मैं आज स्टे कर रहा हूँ मालवन में चिवला बीच के यहाँ पे। ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हो ये चिवला बीच का नज़ारा है और आज मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ सेंट एंथनी हाउस में। बीच के सामने भी बहुत सारे अकोमोडेशन ऑप्शन अवेलेबल है बट ड्यू टू रेनी सीजन तो अभी वो सभी बंद किए गए हैं। तो मुझे जस्ट 2 मिनट के वॉक पे मेरे को मिल गया ये। चलो आओ मैं आपको रूम दिखा देता हूँ अंदर से रूम कैसा दिखता है, ये रूम का नज़ारा। तो आज मैं इधर स्टे करने वाला हूँ। ये अपना वॉशरूम। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन दिस इज शाबाज खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।